हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 के नीलामी के लिए अब सारी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, जहां पर सारी टीमों ने अपने अपने टारगेट प्लेयर्स के साथ लगातार कांटेक्ट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही कुछ ऐसी टीमें हैं जिन्होंने आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले ही ट्रायल कैंप को लगाने का फैसला किया है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी ये यहां पर चार आईपीएल टीमें हैं जिन्होंने आईपीएल की नीलामी से पहले ट्रायल कैंप लगाने का डिसीजन लिया है, और उस ट्रायल कैंप में कौन कौन से प्लेयर्स को इन्होंने इनवाइट किया है। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है राजस्थान रॉयल्स की टीम का। आरआर की टीम ने IPL 2020 खत्म होते ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि IPL 2021 की नीलामी से पहले अपने टारगेट प्लेयर्स को स्पेसिफाई करने के लिए ये टीम आपको अपना ट्रायल कैंप लगाते हुए नजर आएगी। और गाइस, अब राजस्थान रॉयल्स ने BCCI की परमिशन लेकर जयपुर में अपना यहां पर जो उनका प्रैक्टिस कैंप है, अपना जो ट्रायल कैंप है, वो लगाने का डिसीजन लिया है। इस ट्रायल कैंप में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के दो फास्ट बॉलर्स, जिसमें नाम निकल कर आता है आकिब नबी का, इसके साथ ही मुस्तफा यूसुफ और उनके साथ ही बाकी स्टेट से भी काफी प्लेयर्स को इनवाइट किया है, जिनको ये टीम नेट्स के ऊपर देखेगी कि वो कितने ज्यादा कैपेबल हैं, और अगर ये किसी से इंप्रेस हो जाते हैं तो फिर ये आईपीएल की नीलामी में उन प्लेयर्स को टारगेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरी बड़ी टीम की, और यहां पर नाम निकल कर आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। RCB की टीम ने BCCI की परमिशन से दो अलग अलग वेन्यूज डिसाइड किए हैं, जहां पर पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है M. Chinnaswamy स्टेडियम का, दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है उत्तराखंड स्टेट के देहरादून का, जहां पर RCB की टीम आपको अपने ट्रायल कैंप लेते हुए नजर आएगी। RCB की टीम ने बताया है कि ये ट्रायल कैंप फास्ट बॉलिंग फोकस्ड होगा, यानी कि फास्ट बॉलर्स पेस बॉलर्स को ये टीम ट्रायल कैंप में चांस देगी, जहां पर माइक हैसन और उनके साथ ही साइमन कैटेज आपको इन फास्ट बॉलर्स को यहां पर उनको देखते हुए नजर आएंगे, उनको अप्रूव करते हुए नजर आएंगे। और अगर RCB की टीम भी इनमें से किसी बॉलर से इंटरेस्टेड हो जाती है तो फिर वो IPL की नीलामी में उनको साइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं इस लिस्ट में तीसरे नंबर की टीम की, और यहां पर नाम निकल कर आता है मुंबई इंडियंस की टीम का। MI की टीम सबसे पहले नंबर की टीम बनी थी जिन्होंने ट्रायल कैंप को लगाने का डिसीजन लिया था। और गाइज, अगर आप लोग मुंबई इंडियंस के फैंस हैं तो आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी कि MI की टीम आपको मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही हर साल अपना प्रैक्टिस कैंप लगाते हुए नजर आती है, तो इस साल भी आपको MI की टीम वानखेड़े के स्टेडियम में ही प्रैक्टिस कैंप लगाते हुए नजर आएगी। MI की टीम की बात की जाए तो ये भी असम के फास्ट बॉलर, इनके साथ ही जम्मू और कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर्स और ऑलराउंडर्स को अपने ट्रायल के लिए ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी है। तो MI की टीम का ट्रायल कैंप आपको महिला जयवर्धने के अंदर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं इस लिस्ट में चौथी बड़ी टीम की, और यहां पर नाम निकल कर आता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। DC की टीम ने अपने ट्रायल कैंप की अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि इस ट्रायल कैंप में वो किसी भी प्लेयर को इस वजह से नहीं ले रहे कि वो उनको नीलामी में टारगेट कर सके। इनका जो ट्रायल कैंप होगा वो सिर्फ नेट बॉलर्स के ऊपर ही फोकस रहने वाला है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने हमें पता है कि ऑलरेडी काफी सारे प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है, तो ऐसे में ऑक्शन में इनको बहुत ज्यादा प्लेयर्स को लेने की जरूरत नहीं है। तो DC की टीम अपने एग्जिस्टिंग रिटेन प्लेयर्स के साथ ही आपको ये ट्रायल कैंप लगाते हुए नजर आएगी, जहां पर सिर्फ नेट बॉलर्स ही इस प्रैक्टिस कैंप में अलाउ किए जाएंगे, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज होंगे। तो इस तरीके से इन चार टीमों ने IPL की नीलामी से पहला अपना ट्रायल और प्रैक्टिस कैंप लगाने का डिसीजन लिया है। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपना ओपिनियन बताइए, आपके हिसाब से क्या इन चार टीमों के प्रैक्टिस कैंप से इनको नीलामी में प्लेयर्स टारगेट करने में फायदा होगा या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।